नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे फोली हेयर टेबलेटा एंड दूसरा है वो है हेयर ब्लेस टेबलेटा। तो ये दोनों ही बेसिकली बायोटिन टेबलेट्स है, क्योंकि इन दोनों टेबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है बायोटिन, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल कम करने में यूज होता है, हमारा हेयर का ग्रोथ होता है और जो हेयर में हेयर फोलिकल्स रहते हैं वो भी, उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ होता है, तो जिसकी वजह से हमारे बाल है स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं और हेयर ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे इन दोनों टेबलेट में से कौन सा टेबलेट बेस्ट है और ये दोनों बायोटिन टेबलेट्स में किस तरह से हमारे हेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो के हेयर ब्लेस टेबलेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें है बायोटिन है, नियासिनामाइड है, मिनरल्स है और एमिनो एसिड, ये सब डाले गए हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन कंटेंट है जो हमें हेयरफॉल में यूज होता है वो है बायोटिन, वो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 माइक्रोग्राम में डाला गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बहुत से प्रोटीन है जैसे एल आर्जिनिन, एल सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड, नियासिनामाइड, जिंक, आइनोसिटोल, आयरन, तो ये सारे एमिनो एसिड और मिनरल्स है, तो वो भी हमें हेयर डेवलपमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये बायोटिन किस तरह से काम करता है। तो हमारे जो हेयर होते हैं वहाँ पे उसके नीचे हम यानी कि हमारा जो सिर है इसके एग्जैक्ट ऊपर में बहुत ही छोटी छोटी हेयर फोलिकल्स रहती है और उस होलिकल हेयर फोलिकल्स मतलब क्या है, वो छिद्र होते हैं, ऐसे होल होते हैं छोटे छोटे, वो हेयर फोलिकल्स में से यही धीमे धीमे हमारे बाल ग्रोथ होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थीके? तो जिन लोगों को बाल्ड हो गया है या जिन्हें बहुत ही कम हेयर है उनको क्या होता है कि ये हेयर फॉलिकल्स होती है वो डैमेज्ड हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, तो जिसकी वजह से उस हेयर फॉलिकल में से नए बाल निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, थीके? उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो ये जो टेबलेट है हेयर ब्लेस टेबलेट या फिर जो फोली हेयर टेबलेट है उसमें जो बायोटिन है वो क्या करता है, बायोटिन है वो उस हेयर फोलिकल के अराउंड उसके आजू बाजू में वो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही तेज कर देता है, इट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द हेयर फोलिकल्स, तो उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में खून हेयर फोलिकल्स को मिलता है, तो उसकी वजह से जो हेयर फोलिकल का डेवलपमेंट होता है और उसमें से हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक मेन मैकेनिज्म है बायोटिन टेबलेट की। ठीक है, और तो अब हम जानते हैं कि दूसरा है जो है फोली हेयर टेबलेट, तो आप यहाँ पे देखें तो ये अबोट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, इसकी प्राइस है 199 रुपीज, और जो ये हेयर ब्लेस टेबलेट है उसकी प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 185 रुपीज, ये मैनकाइंड कंपनी बनाता है। ठीक है, तो ये फोली हेयर टेबलेट में हम जानते हैं कौन से विटामिन है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड है, ये तीनों तो हेयर ब्लेस टेबलेट में भी है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो फोली हेयर टेबलेट में डाले गए हैं वो है आइसोफ्लेवेंस एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट इसमें ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ में जो इफेक्टिवनेस है वो फोली हेयर टेबलेट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हेयर ब्लेस टेबलेट, और कीमत में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आइसोफ्लेवोन्स है और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, तो वो क्या करते हैं फ्लेवोनॉइड, वो जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन बनते हैं जिसे हम इस टॉक्सिन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, तो ये फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे जो हेयर फोलिकल्स होते हैं बालों के नीचे उसको डैमेज कर देते हैं, तो उसकी वजह से इस फ्री रेडिकल की वजह से टॉक्सिन की वजह से हमारे जो हेयर फोलिकल डैमेज्ड हो जाती है उसकी वजह से बाल नए नहीं ग्रो कर पाते। ठीक है, तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स है आइसोफ्लेवेंस है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि वो जो फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स बनते हैं उसको रिमूव कर देता है बॉडी में से, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसकी वजह से हमारे हेयर फोलिकल को डैमेज नहीं होता है। ठीक है, और इस तरह से ये हमें हेयर ग्रोथ करने में यूज होता है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा हम देखें तो एल ग्लूटामिक एसिड है, फिर एल ल्यूसिन है, एल आर्जिनिन, एल लाइसिन, एल प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे 10 से 12 प्रोटीन डाले गए हैं, और उसके अलावा विटामिन है इसमें फोलिक एसिड, विटामिन B3, B5, विटामिन सी एंड बायोटिन, बायोटिन हमने बोला कि दोनों में ही इसमें 30 माइक्रोग्राम में बायोटिन अवेलेबल है।
ठीक है। उसके बाद इसमें मिनरल्स है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही सारी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, आइसोफ्लेवोइंस, फ्लेवोनॉइड्स है वो सब डाले गए हैं, तो जिसकी वजह से इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाता है हेयर ग्रोथ में, ठीक है दोस्तों। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ये दोनों टेबलेट्स में कोई एक टेबलेट चूज़ करना चाहते हैं तो हेयर ब्लेस से ज़्यादा अच्छा है फोली हेयर टेबलेट, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी से और इफेक्टिव तरीके से हमारे बाल ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था रिव्यू बायोटिन टेबलेट्स, बायोटिन कंटेनिंग टेबलेट्स फोली हेयर टेबलेट एंड हेयर ब्लेस टेबलेट, इसके यूजेस। अब हम इसके डोज की बात करें तो इसका डोज आपको दोनों कोई भी टेबलेट ले उनमें से आपको एक गोली लेना है दोपहर को खाने के बाद। ऐसे आपको कंटिन्यू 20 से 30 दिन यानी कि एक मंथ तक इसे कंटिन्यू यूज़ करना है, तभी जाके इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर बीच में कोई आपको साइड इफेक्ट लगे तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और इसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों रिव्यू हेयरफॉल टेबलेट के बारे में, फोली हेयर एंड हेयर ब्लश टेबलेट। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जोर से दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।